करियर मेट्स में आप सबका स्वागत है। मूल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों ने अपने स्टेप्स निर्धारित किए थे, यानी हम एटॉमिक मास के बारे में समझेंगे एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से जान लेते हैं तो मूल कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। अभी अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने लिखा है द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। नाउ अगर हम किसी भी कंपाउंड के कॉम्पोजिशन को समझना चाहें तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूला से, और उस कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें कि उस कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जितने भी एटम्स होते हैं उनके मासेस से हम उसके स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको स्टडी करना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द मास ऑफ अ मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने किसकी बात की, मास ऑफ अ मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस के समेशन को, यानी योग को हम बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कम्पोज ऑफ 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सबको पता है, जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास इज द वेट ऑफ 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स के मासेस को नहीं डिटरमाइन करना है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये पता है कि किसी भी एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम के एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें तो वो किस यूनिट में होता है, ग्राम पर मोल यूनिट में होता है। तो ग्राम पर मोल यूनिट में होने के कारण अगर हम जितने भी एटम्स उनके एटॉमिक वेट को ऐड कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, अगर हम HCl की बात करें तो इसमें एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है क्लोरीन, राइट? तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका होता है 1.0079 ग्राम्स पर मोल। सिमिलरली द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.453 ग्राम्स पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अगर हमें डिटरमाइन करना है तो इन दोनों का हम समेशन करेंगे, दोनों को ऐड करने पर हमें ये मिल रहा है ग्राम पर मोल, राइट? तो ये इसके मतलब हमें एक मोल में कितना ग्राम है उसका, एक मोल मॉलिक्यूल्स का कितना वेट है, एक्चुअली हमें यही मिल रहा है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोलर मास। यानी वो हम जो बात कर रहे थे कि एक मोल मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मोलर मास, वही हमको यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें C3H6, तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3 है, तो अकॉर्डिंगली हमने देखा यहाँ पर कार्बन का मास अगर है 12.0107 ग्राम्स पर मोल तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो इनको 6 से मल्टीप्लाई किया इसके वेट को एंड देन अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ C3H6। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो इस केस में हम लोग हमेशा जानते हैं कि यूनिफाइड मास यूनिट में भी ले सकते हैं, सो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यूनिफाइड मास अगर हम ले रहे हैं तो ये 18.02 U यानी यूनिफाइड मास जो हमने एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करके बताया था उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड इट गिव्स 16.043 U। नाउ लेट अस कंसिडर फॉर्मूला मास। आइए हम देखते हैं फॉर्मूला मास क्या है। अभी फॉर्मूला मास के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में NaCl के डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं होते हैं, जबकि सोडियम और क्लोराइड आयन्स एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म में या ओरिएंटेशन में अरेंज रहते हैं। यानी एक सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन्स हो सकते हैं और एक क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 सोडियम आयन्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितनी डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम नहीं बता सकते बल्कि इसमें आयन्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी आइडेंटिटी को देखें तो जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, जो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे हम NaCl की आइडेंटिटी बता पाते हैं, वो है NaCl।
तो इस पर्टिकुलर केस में इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, राइट। सो हियर यू कैन सी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जो अपनी आइडेंटिटी आयनिक कंपाउंड में मेंटेन करती है, रिटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो इस फॉर्मूला यूनिट का मास ही कहलाता है फॉर्मूला मास। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बजाय हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल वेयर इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो NaCl का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या सिंपलेस्ट यूनिट, जिसको हम फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है NaCl। सो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, इन दोनों के समेशन से हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मास मिल रहा है। लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। जैसे सपोज हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, राइट। MgCl2 को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास एज वेल, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में देर इज वन मैग्नीशियम एटम एंड देर आर टू क्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मास होता है 24.305 amu एंड देन 2 × 35.453 amu, दैट इज द मास ऑफ टू क्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हैं एंड देन वी गेट 95.211 amu। सो दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इफ वी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल C4H10। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने ये जो मॉलिक्यूल लिया है वो क्या लिया है, C4H10 लिया है। C4H10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वॉट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हियर वी कैन सी इट इज C2H5, right? 2 × 2 = 4 and 2 × 5 = 10. So C2H5 is the simplest formula, or you can say that this is the empirical formula for C4H10. So यहाँ पर हम इसका जब भी हम मास निकालेंगे तो फॉर्मूला मास निकलेगा एंड द फॉर्मूला मास कम्स आउट टू बी 2 × कार्बन + 5 × हाइड्रोजन एटम्स एंड हियर इट इज, ये हमें मिल रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लीजिए। अब इस एग्जाम्पल में देखिए दोनों का कंपेरिजन। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर हमें C12H22O11 एक कंपाउंड लिया हुआ है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं देर आर 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स एंड 11 ऑक्सीजन एटम्स। इन सब का हमने वेट ले लिया। अब इसका समेशन आ रहा है 342.3 amu एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। नाउ हम इसको मॉलिक्यूलर मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, राइट। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। नाउ इफ यू कंसिडर कैल्शियम नाइट्रेट, या स्टूडेंट्स यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज not a covalent or molecular compound, this is an ionic compound जिसमें calcium और nitrate ions present होते हैं। Now this is the simplest formula, this is the empirical formula. So here there are 1 calcium atom, 2 nitrogen atoms and 6 oxygen atoms. इन सब का summation करने पर हमें ये आता है 164.10 amu. Now this is not the molecular mass, this is the formula mass. तो ये फॉर्मूला मास यानी फॉर्मूला यूनिट इसका है कैल्शियम नाइट्रेट एंड इसका जो मास आता है वो फॉर्मूला मास आता है एंड दिस इज 164.10 amu. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और साथ में और इसकी क्लैरिटी के लिए कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला को लेते हुए मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, इन सबको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और मूल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। Thank you so much. Wish you all the best.